अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये हमारी सुरक्षा भी करते हैं और कन्यादान में दान भी करते हैं और 25,000 हाफिज योगा करते हैं। हमारे मस्जिद के दोनों हाफिज वो भी है, उनको पिछड़ी इस्तेमाल करो, नारियल बांध के, नारियल में और वो विशेष सहयोगियों में पान और नारियल बांध के। देखो महिला अंदर जो 25 ही दुल्हन है उनसे मेरी गुजारिश है बहनों से बेटियों से कि वो केवल 25 एक साथ सलंग लाइन लगा के बैठे ताकि जो ये हजारों की तादाद में महिला है आपको सबको पहचान सके कि ये फलाने गांव की है, फलाने शहर की है, जो कि यहाँ सीहोर आष्टा धार इंदौर चाहते हैं कि हमारा बच्चा इतना पढ़े, चाहे आजकल पढ़ाई हार कारक है। सलीम भाई हमारे ऊपर आओ, आपका इस्तेमाल इस्तेमाल करो। सलीम भाई इधर देखना जरा, प्रधान साहब ऐसा रिश्ता साधु भाई का रखना ये तो यहाँ ले जाने के बाद सलीम मामू इधर से आइए, बहुत देर कर दी मेहरबान। मरूक लाला बड़ा 25 कुर्सी दुल्हनों की रखो, अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा कबूल करो। रही भाई आप यही रहना, जाना मत, आपको भी साथ में बांधना है। पठान है भैया, फरहान पठान नाम है इसका, पिता सलीम पठान है, होली स्कूल में पढ़ता है। इस बच्चे को देख के ऐसा बताए, सामूहिक निकाह सम्मेलन के कार्यक्रम में आप यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और क्या आपका कहना है इस पर? सब्र ग्रुप को मैं सबसे पहले साधुवाद और बधाइयाँ देता हूँ। महंगाई के इस दौर में यह बड़ा सुकून भरा पल है उस माता पिता के लिए, उन परिवारों के लिए जो वाकई आर्थिक इससे जूझते हैं, कर्जा लेके शादियां करते हैं। पर आज सब्र ग्रुप के सभी सदर साहिबान और सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूँ, उन्होंने पुण्य का काम किया है, लगातार कई वर्षों से काम करते आए, मात्र 1 रुपये लेकर उनकी शादी करवाना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है इस पृथ्वी पर। क्योंकि आजकल महंगाई का दौर, कंपटीशन का दौर है, मैं मानता हूं कि ऐसे दौर में इस तरह के आयोजन लगातार होते रहना चाहिए। और बड़ी सबसे बड़ी विशेषता इसमें ये है कि केवल एक मुस्लिम वर्ग का ही नहीं अपितु हिंदू समाज भी इसे चंदा देता है, सहयोग देता है कि ताकि ऐसे अच्छे पुनीत कार्य समाज में होते रहें और समाज हमारा इस तरह तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे। इससे अच्छा कोई सर्वश्रेष्ठ काम नहीं हो सकता। मैं फिर बधाई देना चाहता हूं सभी मेम्बरान को। आपने जिस तरह कहा कि महंगाई का दौर है, तो क्या लगता है 25 जोड़ों की शादी हुई है वो परिवार है जिनके बच्चियों के पिता जो इस तरह का बड़ा आयोजन नहीं कर सकते या बड़ा विवाह समारोह नहीं कर सकते, उनके लिए कैसा प्लेटफॉर्म है? ये सुकून भरा पल होता है उनके लिए जब पूरा समाज, सर्व धर्मों के लोग एकत्रित होकर उन्हें आशीर्वाद देने आए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है उस परिवार के लिए जो आज वाकई महंगाई के दौर में बुलाना बड़ा कठिन काम है। मैं इस अवसर को सबसे पुण्य का अवसर मानता हूँ, ये पुण्य का काम इन सब ने किया है, मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं इन सब साथियों के लिए। ये बताइए किस तरह का आयोजन हो रहा है यहाँ पे और कौन आयोजक है और क्या उद्देश्य है और किस तरह का ये पूरा कार्यक्रम है? ये सभा गुरु की जानिब से देवास के अंदर लंबे समय से ये आयोजन हो रहा है। इस बार भी 3 मार्च को 25 जोड़ों का 1-1 रुपए के अंदर इनका निकाह यहाँ किया जा रहा है। इस निकाह के इस कार्यक्रम में इनको पूरी घर गृहस्थी का सामान भी देते हैं और जो जिससे हमारे दानदाता है बनता है इतना दहेज देते हैं कि इनके घर भी छोटे पड़ जाते हैं। सब अपने अपने हिसाब से, कोई अलमारी देता है, कोई बसेरी देता है, कोई कुकर दे रहा है, तो बहुत सारी सोने की कोई देने वाले हैं वो भी देते हैं, कुछ चांदी का इनाम भी देते हैं उसके अंदर। तो ये आयोजन सब हिंदू मुस्लिम एकता का एक पूरे प्रदेश के अंदर एक अनोखा कार्यक्रम होता है जिसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कन्याओं को सामान दिया जाता है, नगद पैसे देते हैं, नगर निगम की तरफ से भी देते हैं और आवाम हमारा यहाँ का व्यापारी और यहाँ का हमारा युवा और यहाँ के हमारे जो दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों नेता इस मंच पर मौजूद रहते हैं, सब मिलकर यहाँ पर सहयोग करते हैं, जिसका नतीजा है कि करीब 15,000 लोगों का भोजन होता है। हिंदू समाज के लिए हमने दाल बाटले लड्डू का अलग इंतजाम रखा है, बाकी मुस्लिम समाज के लिए सादा खाना
आलू का बटाटे भात और बढ़िया नुक्ती खिलाते हैं। प्रतिभाओं का सम्मान भी बच्चों का और खेल से जुड़े अन्य क्षेत्रों में जो है इसमें हमने एक चीज़ रखी है, करीब 70 बच्चों को यहाँ पे जो स्कूल में अच्छी से पढ़ाई करते हैं, अच्छे परसेंटेज लेके आते हैं, पहली क्लास से लेके तो कॉलेज स्तर तक उनका प्रोत्साहन और उनको ट्रॉफी और उनको प्रस्थान करते हैं। इसी तरह हम जो हमारे हापी जुए हैं, हमारा मदरसा है मोहसिनपुरे का, उसमें भी हम हापी जुए उनका इस्तकबाल कर रहे हैं इस बार पहली बार, और हमारे हाजियों का भी इस्तकबाल हम यहाँ पर कर रहे हैं, और हमारे सब जितने वरिष्ठ साथी आते हैं उनका सबका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। क्या ये बच्चों का भी सबका, आपको क्या लगता है कि जो गरीब है और इस तरह की बच्चियाँ हैं जिनके परिवार वाले शादी के लिए दहेज नहीं जुटा पाते या कार्यक्रम नहीं कर पाते, वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारा, इससे उनके परिवार की बहुत सारी तकलीफें दूर है। शादी में कितना पैसा खर्चा होता है, एक शादी करने जाओगे एक बच्ची को 5 लाख 4 लाख रुपए 3 लाख रुपए खर्चा होता है, और हम उससे अच्छा इंतजाम उनको यहाँ करके देते हैं, और वो बड़े खुशी खुशी आते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि आप सभा ग्रुप में जाइए। इस बार भी 85 जोड़ों का हमारे पास आवेदन आया था, लेकिन हमने उसमें से 25 जोड़े छाट के जिनकी ज़्यादा ज़रूरत थी उनको ही रखा है।